लोग जनता कर्फ्यू के दौरान सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड देश के कुत्ते थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से सारे इंसान गायब कहाँ हो गए, कहीं हम दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए। सड़क से इंसान क्या गायब हुए, जानवरों और पक्षियों को चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। कबूतर मोर सब सड़कों पर निकल आए। भाई लोग, ऐसा नजारा शायद ही आपको देखने को मिले। भाई अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम इंसानों ने देश और पर्यावरण की क्या हालत करके रख दी है। एक दिन लॉकडाउन होने से यातायात के रुकने से कितना फर्क पड़ता है। तो भाई लोग, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जनता कर्फ्यू की। हालांकि जनता कर्फ्यू काफी हद तक सफल रहा, लेकिन 125 करोड़ लोगों के देश में पूरी तरह किसी कैंपेन या कार्यक्रम का सफल होना असंभव है। खास तौर पर एक ऐसे देश में जहां लोग हकीकत से ज्यादा अफवाह में यकीन करते हैं। अब इन साहब को ही देख लो। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए। भाई, कोरोना वायरस को ही देवता बना के पूज डाला, उसे खीर चढ़ाई, पूरी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया। भाई ऐसे लोगों का बस चले तो ये लोग कोरोना वायरस का मंदिर बनाकर धंधा शुरू कर दें और अंधविश्वासी लोग वहाँ भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ा कर आए। फिर आते हैं ये लोग, मेरी तो भैंचो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग नाच किस खुशी में रहे हैं, जबकि मोदी जी ने, विशेषज्ञों ने साफ साफ कहा है कि लोग दूरी बनाकर रखें, अपने घरों से बालकनी से ताली थाली या शंख बजाकर डॉक्टर्स, सफाई कर्मियों व उन सभी लोगों का अभिवादन करें जो देश की संकट की घड़ी में दिलो जान से कोरोना वायरस से लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे देश के लोग निकल पड़े झुंड बनाकर। भाई लोग, कुछ लोगों ने जनता कर्फ्यू की हालत कुछ ऐसी कर दी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग लॉकडाउन हुए हैं या त्योहार मना रहे हैं। एक दूसरे को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के बजाय फैलाने जैसे काम कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ इन जैसे जाहिल और अंधविश्वासी लोग ही हैं। भाई ज्यादातर लोगों ने जनता कर्फ्यू का बहुत अच्छे से समर्थन किया और कोरोना वायरस से लड़ने में एकजुटता दिखाई। भाई इंसान तो छोड़ो, जानवर पक्षी तक इस मुहिम में शामिल हो गए। अब इस डॉगी को ही देख लो। और भाई थाली बजाने में तो लोगों ने हद ही पार कर दी। अरे भाई, कोई इन जैसे लोगों के लिए समझाए कि थाली बजाने से कोरोना वायरस भागेगा नहीं। थाली ताली और शंख बजाने को मोदी जी ने इसलिए कहा था ताकि कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स, सफाई कर्मियों और अन्य लोगों को आम लोग धन्यवाद कर सकें, ना कि कोरोना वायरस भगाने के लिए। और भाई ये महिला तो थाली की जगह परात ही निकाल लाई। और भाई इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी, थाली परात सब छोड़ छाड़ कर टीन को ही पीटने लगे। भाई लोग, इन सब के बीच सबसे ज्यादा एंजॉय किया देश के बच्चों ने। कुछ बच्चे चम्मच से थाली बजाते नजर आए और कुछ थालियों की माँ बहन एक करते हुए। भाई शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में थाली पीटते पीटते छेद ना हुआ हो। कुछ लोगों ने तो थाली की दुर्दशा ये तक कर दी कि पहचान कर पाना मुश्किल है कि ये थाली है या प्लेट। और जो लोग आलसी हैं, ये थाली बजाते बजाते थक गए, उन्होंने तो थाली बजाने का नायाब तरीका खोज निकाला। लेकिन भाई लोग याद रखना, ये तकनीक भारत से बाहर न जाने पाए। भाई इंसान तो इंसान, ये तोता तक खुद को जनता कर्फ्यू का समर्थन करने से रोक नहीं पाया।
भाई लोग, एक तरफ वो लोग थे जो झुंड बनाकर बाहर निकले और हुतियापा फैलाया, और एक तरफ ये लोग थे जो असमर्थ होने के बावजूद घर से जनता कर्फ्यू का सही ढंग से समर्थन कर रहे थे। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए इन लोगों से। भाई लोग, आप सभी से निवेदन है कि एक जिम्मेदार नागरिक बने, ऐसी हरकतें ना करें, लोगों से एक मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, हाथों को धोते रहें, आप सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग ऐसी हरकतें दोबारा ना करें। और भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें, ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। जैसे ही करा।